जीजा जी आप लंदन जाकर थोड़े मोटे हो गए। मेरी बात छोड़ भाई, तू अपनी बात कर, तू अचानक कैसे आ गया? नहीं नवरात्रि तो मुझे अहमदाबाद में ही मनानी है। आज मुझे मुंबई में थोड़ा काम था तो मैं आ गया। अभी दोपहर 2 बजे की फ्लाइट लेकर मैं वापस चला जाऊंगा। अभी 2 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे? ले बोल दे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तू आया तो थोड़ा रुकना तो चाहिए ना बहना के घर पे। ठीक है आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ जीजा जी। मतलब क्या मजाक क्या कर रहा है? रुक रहा है वो कि जा रहा है वो? रुक रहा हूँ, वो मजाक कर रहा हूँ। अरे मुझे 1 बजे तो एयरपोर्ट पहुँचना है जीजा जी। ये क्या वीरा, फिर तुम क्या आए और क्या गए? माय डियर बेना, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। सुबह से फ्लाइट पकड़ कर मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से सीधा मैं वालकेश्वर गया, बालकेश्वर से सीधा मैं यहाँ आया। बोल चलो तुम दोनों भाई बहन बात करो, मैं दुकान जाता हूँ। जीजा जी फिर ये टैक्सी लेकर आप चले जाओ ना। हाँ। क्यों? अरे उसमें क्या है, वो आपकी दुकान के पास में है ना, किशोर भाई कारिया की दुकान। उनकी सास है ना जो अहमदाबाद में रहती है, लीला मौसी, उन्होंने 10 पैकेट वेफर के भेजे, वो आपको ले जाने। सुंदर आए और मुझे चूना ना लगे, यह कैसे हो सकता है? इस टैक्सी में पूरा मुंबई घुमा, अभी दुकान पहुंच के पूरा भाड़ा मुझे देना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या, देखिए दूसरों का सामान पहुंचाना वो तो समाज सेवा का काम है। मेरे वीरा ने अहमदाबाद से यहाँ तक समाज सेवा की, तो आप यहाँ से दुकान तक समाज सेवा नहीं कर सकते? बेना 1 मिनट। तीन पैकेट वेफर के रख लो तुम। अरे वीरा इसके क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं बेना तुम रख लो, ये लीला मौसी है ना बढ़िया वेफर बनाती है। हाँ। तुम खाओगी ना तो मुझे याद करोगे। अरे रख लो रख लो। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, ओ किशोर भाई की सास ने उसके लिए 10 पैकेट मंगवाए है ना, उसमें से उसको बिना पूछे 3 पैकेट रख लिए, वो तो मांगेगा ना कि भाई बाकी के 3 किधर है? अरे उसको तो मुफ्त में ही आया है ना। अरे वो नहीं मांगेगा जीजा जी, और अगर मांगे ना तो 3 पैकेट का रोकड़ा दे देना। बोलो चलो। हाँ, तो दे दीजिए ना। चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी चलो मिलते हैं। हाँ। चलो चलो चलो।